मेरे प्यारे साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार एक दादी माँ थी, तो दादी माँ अपनी नातिन के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। और जब उनकी नातिन जो थी दीपिका, जो वो एमए में पढ़ रही थी, एमए सेकंड ईयर था उसका, तो एक बार उसकी मम्मी बहुत बीमार पड़ गई और उसके पापा उसकी मम्मी को लेकर डॉक्टर के पास चले गए दवा लाने के लिए। ऐसा इत्तेफाक, साइकिल से दोनों जा रहे थे और सामने से ट्रक आ रहा था जिससे उनकी टक्कर हो गई और दोनों वहीं पर ख़त्म हो गए। अब घर में बची केवल दादी और उनकी नातिन दीपिका। दीपिका बहुत सुंदर, बड़ी प्यारी सी बच्ची, पढ़ने में भी अच्छी थी, एमए सेकंड ईयर का एग्ज़ाम दे रही थी। यहाँ तो मम्मी पापा ख़त्म हो गए, अब उसके दुखों का कहीं कोई अंत ही नहीं था। दादी बेचारी बूढ़ी थी, क्या करती? दादी ने अपने गांव के जमींदार दयानंद सेठ क्या नौकरी करना शुरू कर दिया। वहीं पास ही में जंगल था, जंगल से लकड़ी बीन कर लाती, चूल्हा जलाती, अपना दादी और नातिन खाना बनाती, खाती, सो जाती और दादी भी चली आती दयानंद जमींदार के घर में काम करने के लिए, सेठ जी के घर में काम करने के लिए, वहाँ पछोरना, बीनना और जो भी घर का काम कि हमारा घर का खर्च चल सके। अब उन्होंने दीपिका को नहीं भेजा, कहा नहीं सयानी बच्ची है, मैं इसे कहीं नहीं भेजूंगी, ये घर में रहे, मैं बूढ़ी हूँ तो क्या हुआ, मैं जितना कर सकती हूँ करूँगी। अब दादी जाने लगी तो बेटा जो पास में जंगल था जहाँ पर वो लकड़ियाँ बिनने आती थी अपना घर का खाना बनाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए, वहाँ पर एक शिवलिंग भी था। तो दादी माँ रोज़ एक बड़े से लोटे में जल लेकर के थोड़ी सी मिठाई या गुड़ जो कुछ उनके पास होता था लेकर जाती और शिवलिंग पर चढ़ा देती और कहती, हे भोलेनाथ, मेरी नातिन की नैया पार लगाओ, तुमने तो इसके माँ बाप दोनों को ले लिया, मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा, तुमने मुझे गरीबी दी फिर भी मैं कुछ नहीं बोली, अब मेरी नातिन का बेड़ा पार लगाओ, उसका कहीं शादी ब्याह करूँ, मैं इसके लिए कहाँ लड़का ढूंढने जाऊँगी, रोज़ रोज़ जाके शिवलिंग पर यही कहती। एक दिन की बात है, वो दयानंद सेठ के घर में काम कर रही थी, काम करते करते उसको हो गई काफ़ी देर। जब वो दोपहर में आई अपने घर, 10-11 बज रहा था, बोली, ला बेटी जल्दी से नहा धो लो, जाऊँ शिव भगवान को एक लोटा जल चढ़ाया हूँ। बिटिया बोली, मम्मी, दादी माँ जो पड़ोस की आंटी थी ना, वो मिठाई भी दे गई है, उनके घर में कल तिलक था। बोली, अच्छा, एक कटोरी में उन्होंने बर्फ़ी ली भर के। बोली, आज मैं अपने भोलेनाथ को बर्फ़ी खिलाऊँगी और कहूँगी, देखो बर्फ़ी खिला रही, अब तो मेरी लड़की की कहीं शादी कराओ, मेरी नातिन की कहीं बिटिया की मेरी शादी कराओ। अच्छा, वो एक लोटा पानी और मिठाई लेकर चल पड़ी जंगल में। जंगल में जाने क्या मन में आया, सर पे हाथ रखकर वहीं शिवलिंग के पास बैठ गई और रोने लगी। बोली, प्रभु, आपने हमें कितने दुख दिए, गरीबी दी मैं कुछ नहीं बोली, मेरा जवान बेटा बहू ले लिया फिर भी मैं कुछ नहीं बोली, क्या चाहते हो आखिर, मैं रोज़ रोज़ इतनी बूढ़ी होकर के अपने गांव से 2 किलोमीटर चल के आती हूँ यहाँ जल चढ़ाने, तुम्हें मेरे पर ज़रा भी तरस नहीं आता। और रो रही थी, अचानक से बेटा आवाज़ आई घोड़े की, जैसे टप टप की आवाज़ आती, जैसे कहीं से दौड़ से घोड़ा दौड़ता हुआ आ रहा हूँ, टप 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 टप, और आके बुढ़िया के पास रुका। बुढ़िया ने निगाह उठा के देखा, उसने देखा एक आदमी है जिसने अपने मुँह पर कपड़ा बांध रखा है। वो बोला, ए बूढ़ी माँ, यहाँ इस घनघोर जंगल में बैठी क्या कर रही हो? बोली, क्या कर रही हूँ बेटा, अपनी किस्मत को रो रही हूँ और क्या कर रही हूँ। उसने देखा बूढ़ी माता के पास पूरा लोटा भरा हुआ जल रखा था, एक कटोरी मिठाई रखी थी। बोली, ए मैया, मैं तेरी कहानी बाद में सुनूंगा, अगर हो सके तो मुझे ये एक लोटा पानी जो रखा हुआ है ये मुझे पिला दे, माँ मैं बहुत प्यासा हूँ, मारे प्यास की मेरी जान निकल रही है। बूढ़ी माता बोली, ठीक है बेटा, लो तुम ही पी लो, इनको तो मैं रोज़ पिलाती हूँ, रोज़ जल चढ़ाती हूँ, मेरे सुनते ही नहीं। तो जैसे उसने डाकू ने लोटा उठाया पीने के लिए, बूढ़ी माँ बोली, रुको बेटा रुको। बोला, क्या बात है माँ जी? बोला, ये लो कटोरी में मिठाई भी खा लो, अब भोलेनाथ को बर्फी थोड़ी ना खिलाऊंगी, लो तुम ही खा लो
और पानी पी लो, खाली पेट पेटा पानी क्या पियोगे। टाकू को तो ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा को परम शांति मिल गई हो, क्योंकि उस समय बेहद गर्मी थी और प्यास से उसका हृदय अत्यंत व्याकुल था। उसने उस मिठाई को खाया, एक लोटा पानी पिया, उसकी आत्मा को जैसे तृप्ति मिल गई, शांति मिल गई, बेहद प्रसन्न हो गया और बोला, अब माँ जी बताओ क्या बात है। अब बूढ़ी दादी माँ ने अपने जीवन की सारी कहानी उसको सुना डाली। वो बोला, माँ जानती हो मैं कौन हूँ। बोली, नहीं बेटा मैं तो नहीं जानती। बोला, मैं हूँ डाकू मंगल सिंह पांडे। और ये बुढ़िया थर थर कांप उठी, बेटा बेटा। अरे माँ आप क्यों डर रही हो, आपको तो मैंने माँ कहा, आपने मुझे बेटा कहा, मैं आपका बेटा हूँ, मैं दूसरों को लूटता हूँ और परेशान मत हो। अच्छा ये बताओ, इस भोलेनाथ से इतने दिन से कह रही हो कि आपकी नातिन की शादी करा दे, इन्होंने कराई। बोले, नहीं बेटा ये तो बस सुनते हैं केवल, देखो कब कराते हैं। अच्छा ये बताओ, आपकी निगाहों में आपके नातिन के लायक कोई लड़का है। बोली, हाँ है तो। बोले, बताओ कौन। कहा, वो जो हमारे सेठ जी हैं दयानंद, जिनके यहाँ मैं काम करती हूँ, उनका बेटा है आनंद, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत संस्कारी है, उसके अंदर कोई भी ऐब नहीं है और मुझको बेहद पसंद है। लेकिन बेटा मैं जानती हूँ वो कभी भी मेरी नातिन के साथ अपने आनंद की शादी नहीं करेगा। डाकू पर, अरे माँ क्या बात करती हो, अगर तुम्हें पसंद है तो ये शादी होकर रहेगी, मैं करवाऊँगा शादी, क्यों परेशान होती हो, जाओ अपने घर आराम से रहो। और बोला, नहीं नहीं चलो मेरे साथ, मैं भी आपके साथ चलता हूँ, कम से कम मुझे अपना घर तो दिखा दो, कहाँ रहती हो। अच्छा भाई, बुढ़िया ने अपना घर दिखा दिया, डाकू ने उसका घर देखा और वो चला गया। उसी रात को वो अपनी फौज को लेकर दयानंद सेठ के घर में टूट पड़ा और बोला, आक्रमण। अब तो दयानंद सेठ की हालत खस्ता, मारे डर के जान निकले। मेरे घर में डाकू कहाँ से आ गए। बोले, मुझे छोड़ दो। बोला, ऐसा है, जानते हो हम डाकू मंगल सिंह पांडे हैं, जिसके घर में घुस जाते हैं पूरी तरह तबाह कर देते हैं उसको, और अगर अपने प्राणों की भीख चाहते हो, अपने घर की औरतों को सुरक्षित चाहते हो, अपनी बहन बेटियों की इज्जत चाहते हो, तो जो मैं कह रहा हूँ वो करो, अन्यथा सबको भिखारी बना दूंगा। बताएं कहें। लिखा, ऐसा है, जो बूढ़ी माँ आपके घर में नौकरी काम करने आती है, उनकी नातिन है कामिनी, उससे अपने आनंद की शादी करा दो। बोल, ये कैसे हो सकता है, वो तो मेरे घर की नौकरानी है। उसने बंदूक तान दी, नौकरानी है, अभी एक गोली मारूंगा यही जिंदगी खत्म हो जाएगी तुम्हारी। नहीं 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 नहीं, मैं करूंगा, लेकिन एक परेशानी है, उसका तो कोई बाप भी नहीं है, उसका कन्यादान कौन करेगा। डाकू मंगल सिंह बोला, मैं कन्यादान करूंगा उसका। और रही बात दहेज की, तो चिंता मत करना, पूरा घर दहेज से मैं भर दूंगा, सारा इंतजाम तुम्हारे घर में लगेगा, हलवाई लगे तुम्हारे यहाँ, राशन पानी आएगा मेरी तरफ से, और अगर जरा भी आना कहानी करी तो गोलियों से भून के रख दूंगा। तक 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 तक। एकदम कांप उठा, नहीं 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 नहीं, जैसा आप कर रहे हो। और उसने अपने सभी साथियों कहा, चलो हम अपनी बेटियों का घर नहीं लूटते हैं, वापस हो गया। अब सादे वेश में कोई ना कोई व्यक्ति उसके पास आता, दयानंद के पास, दिन तारीख तय करता, भाई शादी की ये तारीख है, ये पंडित जी आएंगे, ये मुहूर्त है, और बैलगाड़ियों में भर भर के आटा दाल चावल तेल मसाले सब आने लगे। ये कहाँ से आ रहा है, ये मंगल सिंह ने भिजवाया है, मंगल सिंह पांडे ने, ये उनका इंतजाम है सब। अब देखे गाड़ी भर भर राशन चला आ रहा है, दयानंद की आंखें पटी पटी, इतना राशन आ रहा है कि कहीं रखने की जगह नहीं, हलवाई लगे, एक से एक बेहतरीन इंतजाम हो रहा है। और जब शादी होने लगी, अब यहाँ दयानंद के दिमाग में खुरापात चल रहा था, आने दो कन्यादान समय आएगा,
मैं इसको पुलिस से पकड़वा दूंगा। धन तो मेरे घर में आ ही रहा है, पूरा घर तो भरा ही मेरा जा रहा है। और जहाँ मैंने इसको पुलिस से पकड़वाया, उसके बाद मैं उस नौकरानी की बिटिया से फेरे थोड़ी ना लुआऊँगा, बारात अपनी वापस ले आऊँगा। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब ये डाकू ही नहीं रहेगा तो उसकी नातिन से शादी करने की क्या पड़ी फिर हमको। बहुत ख्वाब बना रहा था। अब इधर शादी का दिन आया, पंडित जी आए, मुहूर्त हुआ। उन्होंने कहा, डाकू मंगल सिंह पांडे से पूछ लेना, मंगल पांडे से, कि वो कन्यादान के समय तो आएंगे ना। उन्होंने, अरे मेरी जुबान मर्द की जुबान है, एक बार जो मैंने कह दिया वो मैं करके रहता हूँ। अगर मैंने कहा है मैं कन्यादान करने आऊँगा तो मैं कन्यादान करने आऊँगा। जाके दयानंद से कह देना किसी भी कीमत पर शादी रुकनी नहीं चाहिए, नहीं तो पूरे खानदान को मिटा के रख दूँगा। नहीं नहीं बिल्कुल। अब शादी का समय आया, सख्त पहरा लगा, जगह जगह पे पुलिस। मंगल पांडे ने अपने आदमियों को भेजा, जाके देख के आओ क्या व्यवस्था है। उसकी आदमी आए, बोले, सरदार उसने तो कदम कदम पर पुलिस का पहरा बैठा रखा है, आपका जाना तो बिल्कुल असंभव है, आप जैसी जाओगी वैसी पकड़ जाओगी। ना ठीक है, अब देखे कोई गुंजाइश नहीं जाने की। दरवाजे से लेकर सड़क तक, बागों में, हर जगह पुलिस ही पुलिस लगी हुई थी, क्योंकि मंगल सिंह मंगल पांडे के ऊपर 5,000 रुपये का इनाम था, और उस समय 5,000 रुपये बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी। देखा कोई गुंजाइश नहीं जाने की। तब तक एक मरियल सी औरत सफ़ेद धोती पहने हुए, सफ़ेद बाल बिखराए हुए, का डंडा लिए कांपती चली आ रही है। पुलिस वाले ने कहा, अम्मा जी कहाँ जा रही हो। उसने अपने कमर में हाथ लगाया और अपने ओंठों को हिलाना शुरू किया। आवाज़ आई, बेटा मैं वो बूढ़ी माता की नातिन की शादी में जा रही हूँ। तो सबने, अरे माँ जी कहीं गिर ना पड़ो, इतना डगमगाती हो। एक पुलिस वाले ने पकड़ करके उनका हाथ टिकाते हुए ले आके उनको वहाँ बैठा दिया। अब कामिनी की दादी सोचे, बताओ मंगल पांडे अभी तक नहीं आए, कन्यादान को नहीं करेगा। वो बोली, बहन चलो जरा मैं कुछ लाई हूँ नातिन की शादी में देने के लिए, कमरे में चलो जरा। अब वो कामिनी की दादी माँ सोचे, इसको मैं जानती भी नहीं हूँ, कमरे में जाने के लिए मुझसे बात कर रही है। फिर भी बेचारी डरती कांपती हुई उनको अपने कमरे में लेके गई, बोली, बोलो बहन। उसने ऐसे करके अपना वी घटाया, कहा, अरे मंगल बेटा तुम, और वो लिपट गई उससे। बोली, बस चुप रहना, उनके सामने कह देना लगता है मंगल पांडे आएंगे नहीं, और ये मेरी बहन है, सबसे हमारे खानदान में यही सबसे बड़ी है, अब यही कन्यादान करेंगी, क्योंकि मुहूर्त बीतता जा रहा है और ये उनकी माँ भी है। अच्छा भाई, पंडित ने कहा जल्दी कन्या के पिता को बुलाया जाए, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। अब वो अपना विघुट लगा के वापस आ गई थी ना, तो कामिनी की दादी बोली, बेटा लगता है वो आएगा नहीं, इतने पुलिस वालों को देखकर हो सकता है वो कांप उठा होगा, इसीलिए नहीं आया होगा। दादी माँ बोली, जो आई थी बहन बन कर के, बोली, अरे मैं तो उसी की माँ हूँ, मैं तो कन्यादान कर ही सकती हूँ, पूरे खानदान में मैं ही तो सबसे बड़ी हूँ। खैर पंडित जी ने कहा, पिता नहीं है कोई बात नहीं, ये कन्यादान कर सकती हैं। कन्यादान होने लगा, भावर पड़ने लगी। यहाँ दयानंद ने कहा कि नहीं, मैंने कहा था मैं भावर नहीं पड़ने दूंगा, दयानंद नहीं आएगा तो। बुढ़िया बोली पुलिस वालों, देखो इसके मन में पाप है, ये मेरी लड़की की शादी नहीं होने देना चाहते। और कहा कि यहाँ जो लोग भी हों मंगल पांडे के, अगर कोई आदमी मेरी बात सुन रहे जाकर बता दे कि देखो शादी नहीं होने दे रहा है। अब तो दयानंद काम उठा, नहीं नहीं नहीं, न जाने किस भेद में वहाँ उसके आदमी छुपे हों, पुलिस वाले आप पहचान पा रहे हो। नहीं 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 पंडित जी, आप शादी कराइए। भांवर पड़ने लगी,
कामिनी की और आनंद की शादी हो गई बड़े धूमधाम के साथ। और जब कामिनी विदा होने लगी तब तक वो बूढ़ी माता वहीं बैठी रही और बोली, बेटा अब मैं जरा चलना चाहूँगी, मुझे जरा सड़क तक छोड़ दो। अब सब पुलिस वालों ने उनका हाथ पकड़ के उनको सड़क तक छोड़ा और वहाँ पे एक बंधा था घोड़ा। जैसे ही वो घोड़े के पास बुढ़िया पहुँची, अपना बिग उतारा, झट से फेंका और घोड़े पे तन कर बैठ गया और बोला, हिम्मत हो तो पकड़ के दिखाओ। घोड़े को लेकर पूरी स्पीड साथ भगा वो। अब सारे पुलिस वाले उसके पीछे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इसने हमको धोखा दे दिया। अब मंगल पांडे आगे आगे, पुलिस वाले पीछे पीछे, लेकिन मंगल पांडे को कौन पा सकी, उसका घोड़ा सरपट भगता चला जाए। रास्ते में पड़ी नदी और नदी में फटाक से मंगल पांडे ने छलांग लगा दी रिवॉल्वर सहित और पानी के अंदर घुस गया वो अपनी रिवॉल्वर लेकर के। पुलिस वाले बोले, मंगल सिंह बाहर आ जाओ, हम तीन तक गिनता है, नहीं तो हम। तब तक पानी के अंदर से बंदूक चली ठीसा, भाई अंदर ही अंदर तैर करते नदी किनारे से कहीं पेड़ के पीछे छुप गया था जाकर के, और वहां से आवाज के बल पर उसने गोली दाग दी, वो आदमी तुरंत मर गया। दूसरा बोला, वाह क्या निशाना है, पानी के अंदर से गोली मार दी। तब तक उसकी गोली लग ठा, वो भी खत्म। तीसरा बोला, आवाज पे गोली लगाता ठा, वो भी मरा। अब पुलिस वाले बोले, ओए मंगल पांडे हम तुमको मान गया, ठा गोली, वो भी मर गया। अब वो जल्दी से दूसरा पुलिस वाला एक पेड़ के पीछे छुप गया और पेड़ के पीछे बोला, हम जानते हैं तुम बहुत बड़े निशानेबाज हो, तुमसे कोई जीत नहीं सकता, तुमने केवल आवाज के बल पर हमारे 4-5 सैनिकों को खत्म कर दिया, हम तुम्हें सरकार से छूट दिलवा देंगे, तुम अपने गुनाहों को मान लो और हम तुम्हारी सजा भी कम करा देंगे, साथ ही साथ हम तुम्हें अपनी सेना में भी भर्ती कर लेंगे, तुम्हारा निशाना तो इतना अचूक है। तब तक मंगल सिंह पांडे ने गोली चलाई, वो चुप फिर पेड़ की आड़ में हो गया। मंगल पांडे की 3 गोलियां बर्बाद चली गई और क्या हुआ, 4-5 उसने पहले ही खत्म कर दिया था। उसने देखा मेरा रिवॉल्वर तो पूरा खाली हो चुका है, तो बंदूक में गोली कोई है ही नहीं। दूसरे उन पुलिस वाले तो बहुत सारे थे, उन्होंने कहा, अभी भी तुमको चांस देते हैं, बाहर आ जाओ और अपने गुनाहों को कबूल कर लो। मंगल पांडे बोला कि अब तो मेरे रिवॉल्वर में कोई गोली भी नहीं है और अब मुझे मरने का कोई अफसोस भी नहीं है, क्योंकि मैंने अपने एक लोटा पानी का कर्ज चुका दिया है। अब अगर आप लोग मुझे जान से ही मार डालते हैं तो भी मुझे कोई गम नहीं होगा। उतने में एक पुलिस वाले ने गोली चलाई और जाकर वो मंगल पांडे के सीने में लगी, वो धड़ाम से गिर पड़ा। उसके सब साथी ने उसको घेर लिया और कहा, अब ना मुझे जीने की इच्छा है और ना मैं जीना चाहता हूँ, और मैं जाते जाते तुम लोगों को ये जिम्मेदारी सौंप के जा रहा हूँ कि मेरी बेटी कामिनी जो दयानंद सेठ के घर में है, उसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और अब उसकी आवाज़ कांपने लगी, उसे लगा कि मेरा अंत आ गया और वो बोला, और मेरी बूढ़ी माँ का ख्याल रखना, मेरी बूढ़ी माँ का ख्याल रखना। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थी आज की कहानी, आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएंगे। तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, देखो मंगल पांडे एक डाकू होते हुए भी उसके अंदर
लोगों के लिए कितनी हमदर्दी थी, कितना प्यार था। वो क्या कहता, मैं गरीबों को नहीं लूटता हूँ, मैं अपनी बेटियों का घर नहीं लूटता हूँ। तो जब वो एक अच्छा इंसान बन सकता है, हम सब क्यों नहीं बन सकते हैं, है ना। तो हमें भी अपने बूढ़ों के प्रति, अब गरीबों के प्रति हमारे मन में भी दया भावना होनी चाहिए। कल सुबह हम लोग एक नई कहानी साथ फिर मिलेंगे, तब तक भाई सबको टाटा बाय बाय, सबको मेरा नमस्कार, अच्छा अलविदा।